मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड के मड़िया पंचायत के पूर्व मुखिया पवन यादव की गोली मारकर हत्या के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसपी द्वारा गठित टीम ने छापेमारी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। ये बात एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने सोमवार को एसपी कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए कही। एसपी ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा एक अपराधियों को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में 100 से 150 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज हो चुकी है। एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने जयनगर के DSP के नेतृत्व में SIT टीम बनाई गई। SIT टीम ने पूरी रात छापेमारी कर मुखिया के हत्या में शामिल 3 अपराधियों को दबोच लिया। इनके पास से मैगजीन भी बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधी महेश्वर यादव बिट्टू दास और तीसरा श्याम शाह है। SP ने बताया कि मृतक के पिता के बयान पर बासोपट्टी थाने में विभिन्न धाराओं में 9 लोगों पर नामजद FIR दर्ज कराई गई है। SP ने बताया कि अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है। अपराधी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। वही 3-4 अज्ञात पर भी मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी टीम में DSP सुमित कुमार, पुलिस निरीक्षक प्रवीण झा, राजकिशोर प्रसाद, अशोक कुमार, गोपाल कृष्ण, राकेश प्रसाद, नंद कुमार सिंह आदि शामिल थे। 12/19 को सुबह 8 से 9 बजे के बीच जो बासोपट्टी थाना अंतर्गत मणिया चौक में जो पूर्व मुखिया पवन यादव को अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा जो गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसमें उनके पिता के बयान पर कुल 9 लोगों के ऊपर हम लोगों ने मामला दर्ज कराया और पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए SDPO जयनगर के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 3 अभियुक्तों को त्वरित हम लोगों ने पकड़ लिया, जो महेश्वर यादव, बिल्टू दास और श्याम शाह। एक जो भीड़ तंत्र का जो शिकार हो गया था वो अपराधी था अकलू यादव, वो एक चौथा अपराधी था। तो कुल 4 अपराधी, एक 3 अपराधी इधर पकड़े गए, एक चौथा जो मृत हो गया, इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको पकड़ा गया। पर भीड़ तंत्र का जो शिकार था मृतक अपराधी अकलू यादव, उसमें चौकीदार किशोरी राम के आवेदन के आधार पर बासोपट्टी में धारा 302 के अंदर भी कांड अज्ञात लोगों के विरुद्ध में दर्ज की गई है, और जिसका हम लोग वीडियो के माध्यम से या अन्य माध्यम से पता कर रहे हैं कि उसमें जिन लोगों का संलिप्तता है उन लोगों को भी नहीं बख्शा जाए। एक मैगजीन और एक जिंदा गोली भी हम लोगों को बरामद हुआ है। ये मामला क्या था पूरा? ये पूर्व में इन लोगों का अपना एक रंजिश था, वो एक ही गांव में आसपास में ये लोग रहते थे, उसी को लेकर के एक इनको लगता था कि ये मुखिया हैं, ये जो पूर्व मुखिया, उनका एक अच्छा नाम और ख्याति था, जिसमें ये जो जाम यादव है उसको ये नगारा नहीं गुजरता था। उसके कारण से पूर्व में भी उन पर हमला किया गया था, जिसमें 2 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया था, परंतु जाम यादव नेपाल की तरफ भाग गया था। पुनः इसके बाद उन्होंने फिर से उसने हमला करके और इस घटना को अंजाम दिया।